मध्य प्रदेश में नव निर्वाचित भाजपा विधायकों की बैठक में पिछड़ा वर्ग से मोहन यादव के विधायक दल के नेता के रूप में चयन होने एवं उन्हें प्रदेश की कमान बतौर मुख्यमंत्री के रूप में सौंपे जाने पर सागर में भी भाजपा नेताओं में खुशी की लहर है। जहां पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले भाजपा कार्यकर्ताओं ने 3 बत्ती स्थित गौर प्रतिमा पहुँच प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और एक दूसरे को बधाई दे मुंह मीठा करा पार्टी के फैसले का स्वागत करते हुए पटाखे चला के जश्न मनाया और भरोसा जाहिर किया। जो विकास की गति शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को दी उसे वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम के तौर पर जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला के साथ विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर मोहर लगने पर भी कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई और एक नई टीम के साथ प्रदेश के विकासशील और विकसित होने का दम कार्यकर्ता भरते नजर आए। आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था, अचानक वहाँ जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी मानता हूँ। इस बार प्रदेश में इतना बड़ा निर्णय आया है और समीकरण बने हैं कि यादव समाज के अब सीएम रहेंगे, किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या नया रहेगा इस बार? माननीय मोदी जी के हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं समस्त यादव समाज की ओर से। आज उनने ऐतिहासिक निर्णय दिया है कि हमारे समाज के गौरव माननीय मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है, उसके लिए मैं समस्त समाज की ओर से माननीय मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अब किस तरीके की रणनीति निकल के आएगी, कितना विकास होगा? विकास तो पहले भी हुआ भाजपा शासन में, विकास और होगा। पिछड़ा वर्ग उनको नेतृत्व दिया है उसके लिए हम लोग प्रसन्न हैं। सीएम शिवराज जी पिछड़ा वर्ग के सिद्धि नहीं, पिछड़ा नहीं है ये, यूपी में है। अखिलेश यादव यादवों के मामले में बदनाम हो गए थे कि यादवबाद चलता है, मध्य प्रदेश में क्या रहेगा? नहीं, यादवबाद नहीं, यादवबाद नहीं चलता, अखिलेश जी सबको साथ में लेकर चले हैं, ये बात हम नहीं मानते। उन्होंने सबका सहयोग किया, सारे पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग सबको साथ में लेकर चलते थे। आपने पटाखे जलाए, आपका प्रमोशन कब होगा? प्रमोशन वाली कोई बात नहीं, हम लोग समाज के लोग प्रसन्न है बस। आज प्रदेश में इतना बड़ा निर्णय लिया गया है, किस नजरिए से देख रहे हैं आप और क्या विचारधारा रहेगी? तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का निर्णय है और इसे सभी पूरे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी और जनता जनार्दन स्वीकार करेगी और एक पिछड़ा वर्ग का एक अच्छा नाम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, इसके लिए बहुत बहुत वरिष्ठ नेताओं का आभार। एक अप्रत्याशित चेहरा, एक नया चेहरा, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी निर्णय ले सकती है। अप्रत्याशित चेहरा दूसरों के लिए होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए अप्रत्याशित। पुराने भाजपा ही पहचान नहीं पा रहे उस चेहरे को, सबको पहचाना पड़ेगा भैया, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, सबको पहचाना पड़ेगा। क्या रहेगा आगे का रोड में भाजपा का? सबको साथ लेकर चलेंगे।
मुख्यमंत्री बनाया है, क्या माहौल बनेगा? अब माहौल बनेगा पिछड़ा वर्ग से एक पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री बने, आगे सब पूरा पिछड़ा वर्ग को लेकर चलेंगे साथ, महाकाल की कृपा और सभी बीजेपी वालों को साथ में लेकर चलेंगे। शिवराज सिंह भी ओबीसी थे, शिवराज सिंह को भी साथ, उनको कोई बुराई थोड़ी है। बीजेपी ने एक नया चेहरा दिया और साफ, अब क्या चाल चले तो चेहरा होगा भाजपा का।